हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी ज्ञान विद विजय चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे पिछली भर्तियों में पूछे गए जीके क्वेश्चंस के बारे में, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके और आपको एक आइडिया हो जाए कि परीक्षाओं में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन है, 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो गाइस, पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन ए रहेगा, डॉक्टर मोहम्मद हाथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया था वह कौन था? तो गाइज, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी रहेगा, संत दादूदयाल जी। संत दादूदयाल जी का जो जन्म है वो अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। इनके जो प्रमुख पीठ है वो नारायणा जयपुर में है और इनको राजस्थान का कबीर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में कामड़ जाति द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो गाइज, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रहेगा, तंदूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सातुड़ी तीज नामक त्यौहार कब मनाया जाता है? तो गाइज, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी रहेगा, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। सातुड़ी तीज को गाइज कजली तीज या बड़ी तीज भी कहते हैं और इस दिन बूंदी में मेला भरता है। एक गाइज होती है छोटी तीज जो श्रावण शुक्ल तृतीया को होती है, इस दिन जयपुर में माता जी की सवारी निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की यात्रा करने वाले विदेशी यात्रियों का सही क्रम कौन सा है? तो गाइज, सबसे पहले जो है इंडिया में फयान आया था जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, और फिर आए थे ह्वेनसांग। तो ह्वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के टाइम में आया था 7वीं सदी में। फिर आया था टॉमस रॉ। तो टॉमस रॉ का जो जब आया था तो इंडिया में इंडिया का शासक था वो जहांगीर था। जहांगीर के शासनकाल में टॉमस रॉ आया था। तो इसका जो राइट आंसर है, सबसे पहले बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड रहेगा, बी सी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया क्या कहलाता है? तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी रहेगा, गमेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ था? तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहेगा, 19 जुलाई 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन, राठौड़ राजवंश के प्रथम शासक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी रहेगा, राव चूड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के राजस्थान में आक्रमणों का सही क्रम कौन सा है? तो दोस्तों, इसमें जो सबसे पहले हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर पर अटैक किया था 1301 ईस्वी में। इसके बाद में चित्तौड़गढ़ पे किया था 1303 ईस्वी में। तो 1301 ईस्वी में जब रणथंबोर पर आक्रमण किया था तो उस टाइम हम्मीरदेव चौहान शासक थे, और चित्तौड़ पर जब आक्रमण किया था उस टाइम रतन सिंह शासक थे, और जालौर में कांवड़ देव थे 1311 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर है, तो सबसे पहले रणथंबोर आएगा, 3, 2 और 1, इसका राइट आंसर होगा 3, 2, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान में काल बेलियों का नहीं है? तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहेगा, चरी। छरी नृत्य है, जो छरी नृत्य है वो गुर्जर जाति द्वारा किया जाता है, बाकी इंडोनी, संक्रिया और पणियारी ये कालबिलियों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी रहेगा, शोभाराम कुमावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर की स्थापना कब हुई थी? तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी रहेगा, 12वीं शताब्दी में, लगभग 1156 ईस्वी में जैसलमेर की स्थापना हुई थी, राव जैसल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित कीजिए। तो इसके अंदर जो संप्रदाय है उनकी जो प्रमुख पीठ है उनको हमको मिलान करना है। तो गाइस, जो पहला ऑप्शन है चरणदास जी, तो इनकी जो पीठ है वो दिल्ली में है, और इसके बाद में अलकिया संप्रदाय वो बीकानेर में है, और गुदड़ संप्रदाय वो दातड़ा भीलवाड़ा में है, और नवल संप्रदाय जोधपुर में है। तो गाइस, इसमें जो ऑप्शन जो मैच हो रहा है, तो पहले का थर्ड और सेकंड, बी का सेकंड और सी का फोर्थ एंड डी का फर्स्ट। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो संप्रदाय से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सगत रासो के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों वो ऑप्शन बी रहेगा, गिरधर आसिया। और जो नरपति नालन ने बिसलदे रासो लिखी थी, और दलपत विजय ने कुमार रासो लिखी थी, और जोधराज ने हम्मी रासो लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, शाहपुरा का फुलडुल मेला किस महीने आयोजित होता है? तो इसका जो राइट आंसर है,
अच्छा, ऑप्शन ए चैत्र, बी पोष, सी वैशाख, डी कार्तिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहेगा, चैत्र। चैत्र महीने के कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक कंटिन्यू 5 दिन पड़ता है, और इसका जो आयोजन है वो सबसे पहले संत रामश्रेणी ने कराया था, उनके इस जो संस्थापक है वो संत रामश्रेणी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बटनेर का किला किसने बनाया था? तो गाइस इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन ए रहेगा, भूपत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य संघ को व्रत राजस्थान का हिस्सा बनाने के लिए गठित की गई समिति थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, डॉक्टर शंकर राव देव समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किसी महिला द्वारा दांतों के बीच में सोने की किल जड़वाने को कहा जाता है, क्या कहा जाता है गाइस? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी रहेगा, चू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूफी संत को सुल्तान ए तरीकीन की उपाधि प्राप्त थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रहेगा, शेख हमीदुद्दीन नागौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहला वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहेगा, आनंद कुमार स्वामी। बाकी इसके अंदर डॉक्टर फियाजली और डॉक्टर सॉरी एरिक डिक्सन, ये जो हैं वो किशनगढ़ शैली से रिलेटेड है, किशनगढ़ शैली से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति प्रारंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेजी सैनिकों की कितनी सामनिया थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहेगा, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, केसरी सिंह भारत। अगर वीर भारत समाज आता, वीर भारत समाज, तो तब उसका राइट आंसर है वो विजय सिंह पथिक रहता, बाकी वीर भारत सभा है तो केसरी सिंह भारत राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुसंधान संस्थान सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन ए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर, ये राइट है। ऑप्शन बी राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र तिजारा, ये गलत है, यहाँ पे तबीजी आना था, तबीजी जो अजमेर में, तब राइट होता। बाकी सी राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर जो भरतपुर में, ये राइट है। ऑप्शन डी राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र बिशवाल जो बीकानेर में, ये भी राइट है। तो इसका जो सुमिलित नहीं है वो ऑप्शन बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरी एक लोकनाट्य है? ऑप्शन ए कृष्ण कंस के कथा पर, ऑप्शन बी शिव भस्मासुर की कथा पर, ऑप्शन सी हीर रांझा की कथा पर, ऑप्शन डी प्रताप अकबर की कथा पर। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रहेगा, शिव भस्मासुर की कथा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाक अवस्थित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी रहेगा, बाला किला अलवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1907 में स्थापित जैन वर्तमान विद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रहेगा, अर्जुन लाल सेठी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती हैं? तो गाइज इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए रहेगा, उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई? तो कौन सा अधिनियम था जिस केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई? तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट रहेगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगर राज्यों में द्वैत शासन तो 1919 राज्यों में द्वैत शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरसीमा समिति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए नियोजन नियोजन क्रियान्वयन सुधार, बी बैंकिंग संरचना सुधार, सी कर संरचना सुधार और डी उच्च शिक्षा सुधार। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रहेगा, बैंकिंग बैंकिंग संरचना सुधार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, 15 अगस्त 1969 को। लास्ट क्वेश्चन, एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो ऑप्शन ए भरतपुर, तो भरतपुर का संबंध रहेगा पूर्व न कृषि विभाग। नेक्स्ट जोधपुर, तो जोधपुर में हाई कोर्ट, और बीकानेर में शिक्षा विभाग, और उदयपुर में है खनिज विभाग। तो इसके अंदर जो मैच हो रहा है, पहले का फोर्थ एंड बी का फर्स्ट
एंड सी का जो है सेकंड, और डी का उदयपुर जो है वो थर्ड। तो इसका जो राइट आंसर जो यहाँ पे मैच हो रहा है तो गाइज वो रहेगा ऑप्शन ए रहेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए जो पिछली भर्तियों में पूछे गए थे। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको आने वाले एग्जामों में हेल्पफुल रहेगा। तो अगर इस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ तो इसका जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।